दबा के बोलो। दुश्मन हमारे घर की ओर बढ़ रहा है, अपने हथियार तैयार रखो। ओए, तू फल लेके यहाँ क्या कर रहा है? फल लेकर पुरानी दुश्मनी को नई दोस्ती में बदलने आया हूँ। यहाँ पर कोई एक्सचेंज ऑफर नहीं चल रहा है, 30 साल की दुश्मनी है ये। निकालो निकालो। हथियार की जरूरत नहीं है, आप चुप बैठो। मैं कह रहा हूँ उसमें से संतरा निकाल लो। तो आपको संतरे चाहिए थे? उठा ले वरना वापस ले जाएगा। चुप नहीं बैठे तो संतरा मुंह में ठूस दूंगा। संतरे चाहिए इनको। यहाँ सब लोग मुझे दुश्मन का बेटा समझ रहे होंगे। सही कहा, मगर मैं दुश्मनी को दोस्ती में बदलने आया हूँ। कई साल पहले दोनों परिवार प्यार मोहब्बत से साथ रहते थे। जो हाथ पिछले 5 साल में नहीं उठा वो एक संतरे के लिए तुरंत उठ गया। पूरी इज्जत का संतरा कर दिया। जिस दिन इलेक्शन का अनाउंसमेंट हुआ उस दिन से दो परिवार एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। पिछली 2 पीढ़ियों से चला आ रहा, अब तीसरी पीढ़ी को भी ये सहन करना होगा। इस दुश्मनी को खत्म करने के लिए मैंने पहला कदम उठाया और इस घर में आया। दादा, क्या आपको याद है आप चांद दिखाकर कहानियां सुनाते थे? आपको याद है अमावस की रात जब चांद नहीं निकला तो आपने हमें कौन सी कहानी सुनाई थी? आपने कहा था चांद शादी करके हनीमून के लिए चला गया है। कुछ याद आया आपको? तुम्हें अब तक वो कहानी याद है? मून का हनीमून, 3 साल के बच्चे को तुमने ऐसी गर्मा गर्म कहानी सुनाई, चीप मैन तू। और उस दिन से रात को जब भी मैं चांद को देखता हूँ बस आप लोगों की याद आती है। प्लीज रोइए मत, मैं नहीं चाहता कोई मेरी वजह से रोए। तुम सब लोग मगरमच्छ की तरह आंसू क्यों बहा रहे हो? इसने इतनी भी कोई इमोशनल कहानी नहीं सुनाई है। हा? अगर ऐसे ही रोते रहोगे तो ये हमारे परिवार के बारे में क्या सोचेगा? सब लोग आंसू पोंछो। डैडी आंसू पोंछो, कहाँ ना आंसू पोंछो। ए, तू मेरे परिवार को तो इमोशनल ब्लैकमेल कर सकता है पर मुझे नहीं। मैं सेंटीमेंट से ज्यादा सेटलमेंट में बिलीव करता हूँ। तो इस घर में कभी भी आ जा सकता है। दादाजी से कहानी सुन, दादी से म्यूजिक, आई डोंट केयर। ठीक है, मगर उसके पहले आने वाले इलेक्शन में तू मेरे सामने खड़ा नहीं होगा, ये वादा कर सकता है? डर लग रहा है? पता था मुझे। इस इलेक्शन में ही नहीं, मैं कोई भी इलेक्शन तुम्हारे खिलाफ नहीं लड़ूंगा, ये वादा है। इसने तो वादा कर लिया। मैंने दोस्ती के लिए प्यार को कुर्बान होते हुए देखा है, मगर दोस्ती के लिए इलेक्शन को कुर्बान होते हुए पहली बार देख रहा हूँ। तू मेरा सच्चा दोस्त है, सब लोग सुन लो, आज से ये मेरा जिगरी यार है। चाची देखा आपने, डैडी देखा आपने, दादाजी सुना, ये मेरा जिगरी दोस्त है। कभी देखी है ऐसी दोस्ती? तू मेरे से दोस्ती करने आया ऐसा लगता नहीं है। कौन है वो? भाभी। तेरी? नहीं तुम्हारी। बहुत जल्दी इससे मेरी शादी होने वाली है। वो किसी के जाल में फंस जाए ऐसी मछली नहीं है, सबको चकमा देने वाली शार्क है। मुझे मछली पकड़ने का एक्सपीरियंस नहीं है पर ये मछली मेरी ही होगी। क्या बोला? कुछ नहीं, दुश्मनी बुलाकर बहुत अच्छा लग रहा है, अब ये घर भी अच्छे से देख लेता तो और भी अच्छा लगता। जीते रहो बेटा जीते रहो। थैंक यू दादाजी। ए लंगू चल बाजू हट। नमस्ते। हाथ हटा। हाथ हटाऊंगा तो गिर जाएगी और इसे चोट लग जाएगी। इसके साथ कबड्डी खेल रहा है जो पकड़ के रखा है, गिर गई तो संभल जाएगी, मगर उसके कंधे पर तेरा हाथ मेरे दिमाग की वाट लगा रहा है। हाथ हटा। ये सब क्या हो रहा है? फिसल गया। तेरा पैर? नहीं होठ। घुटनों पे चोट लगे तो खून निकलते देखा है, लेकिन झप्पी पप्पी और खून। स्टैंड अप। तुम्हारे होठों पर खून लगा है। जाओ मुझे शर्म आती है। इसने दी उसे पप्पी, उसने दी से झप्पी और हो गई मेरी चंपी। ए वहां कहां जा रहा है? मेरी दादी को तो छोड़ दे। ए!
क्यों बुलाया होगा उसने? कहाँ है वो? सुनो भाई, वो आ रहा है, उसे यहाँ क्यों बुलाया? उस दिन अंजलि के होठों पे जोर से गिटार बजा रहा था, ऐसे ही चलता रहा तो घर में डमरू बजाएगा। अगर वो डमरू बजाएगा तो आप तानपुरा बजा देना। तुझे लगता है मैंने घर में म्यूजिक क्लास खोल रखी है? बेवकूफ कहीं का, मुँह है कि गटर। दोस्तों तुम यहाँ आओ, मैं आता हूँ। ये यहाँ अभी देखती हूँ। तुम मुझसे छुप नहीं सकते, अभी पकड़ती हूँ, तुम नहीं बचोगे। पकड़ लिया, पकड़ लिया। इससे पहले कि आप उसका बैकअप करो, वो अंजलि को लेके उड़ जाएगा। एक बार पीछे तो देखो भाई। पूरे मोहल्ले के सामने इज्जत का भाजीपाला कर दिया। छोड़ो इसे। ए, ये क्या क्रिकेट बॉल है? जब देखो कैच करने के लिए तैयार रहती हो। तुम हो क्या? मैं हूँ। सॉरी, मुझे लगा कि अरुण है। क्या कहा तुम्हें? अरुण लगा? अरुण इधर आ। क्या हुआ मामा? ये है अरुण, ये 2 फीट का है और ये 6 फीट का, फर्क नहीं पता चलता। इसे ऐसे पकड़ते हैं और इस 6 फुट के इंसान को इस तरह। तुम मुझ पर शक कर रहे हो क्या? ऐसा नहीं है, तुमने जानबूझकर किया हो या अनजाने में किया हो, देखने वाला तो गलत समझेगा ना, इम्प्रेशन की बैंड बज जाएगी। अरुण तू उधर जा, तुम इधर जाओ। चलती हूँ। चल इधर आ। उसकी आंखों पर तो पट्टी बंधी थी जो गलती से तुझे गले लगा लिया, मगर तेरी तो दोनों आंखें खुली हुई थी ना। वो हॉट थी इसलिए मैं कोल्ड हो गया। भगवान, तुम्हें क्या गलत लगा? हाँ, लगा मुझे गलत। सुनो, अगर तुम चाहते हो हमारी दोस्ती बनी रहे तो आज के बाद तुम सिर्फ मुझसे बात करोगे, मुझसे मिलने मेरे घर या खेत में नहीं आओगे, और अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो तुम्हें सीधे पार्टी ऑफिस में आना होगा। तुम्हारे पार्टी ऑफिस में अंजलि भी आती है? हाँ, डेली सुबह 10 से 12। मुंह बंद कर अपना, तुझसे पूछा क्या इसने? सुनो, तुम पार्टी ऑफिस में मत आना, हम रोड पर मिलकर बातचीत करेंगे और अपना अपना रास्ता नाप लेंगे, समझ गए ना? वादा करो, मेरे सर की कसम खाओ। हाली, अरे कोई बचाओ, अरे सुनो कोई, अरे कोई बचाओ, ये डूब रहा है, बचाओ कोई इसे, भगवान के लिए इसे बचाओ, कोई बचाओ, डूब रहा है कोई, अरे कोई लड़का डूब रहा है, कोई बचा लो, पानी में डूब रहा है ये लड़का। दीदी डरो मत, मैं आ रहा हूँ, मैं बचाऊंगा तुम्हारे बेटे को। डरो मत, तेरा भाई आ गया छोटे, अगर 1 मिनट भी देर हो जाती तो इस नन्ही से जान को बचाना मुश्किल होता। नीचे उतार मुझे। क्या बोला? सुना नहीं क्या कहा? मुझे कुएं से बाहर क्यों निकाला? दूंगा रख के कान के नीचे, मैंने तुझे डूबने से बचाया और तू मुझे आंखें दिखा रहा है सान फरामोश कहीं का। मैंने कहा था तुझे, मैंने कहा था। नहीं सुन, बिना सांस ले 24 घंटे पानी में रह सकता, समझ गया या समझा? रुक जाओ छोटे भीम, ये तो बड़ा खतरनाक बच्चा है, ये ले ये रख, किसी को सच मत बताना, बस इतना बोलना है भाई ने तेरी जान बचाई। इन पैसों की वजह से आज तो बच गया समझा, दोबारा इस कुएं के आजू बाजू देखा तो तेरी जान भी तोड़ दूंगा, बेवकूफ कहीं का। दीदी आकर इसे लेकर जाओ। तो तुमने सब कुछ देख लिया ना? जो कुछ हुआ उसे मजाक समझकर भूल जा, किसी को कुछ बताना मत वरना नाक कट जाएगी। अरे भाई है ना, आ गई छिपकली। ये क्या, तुम यहाँ पर पहले आए थे ना, तो कूद कर बच्चे की जान क्यों नहीं बचाई? तुम रुक क्यों गए? मैं दौड़ते हुए जोश में आगे आ गया, मगर जब पानी देखा तभी याद आया कि मुझे स्विमिंग नहीं आती। तुम्हें स्विमिंग नहीं आती? अरे दूसरों को बचाने के लिए नहीं, लेकिन कम से कम खुद को बचाने के लिए तो स्विमिंग सीख लेते ना। बचपन में ही सीख लेनी चाहिए थी, अब पता नहीं कौन सिखाएगा मुझे। मैं सिखाऊंगी। पैर सीधे करो, सीधे, हाथ स्ट्रेट। अरे क्या कर रहे हो? सॉरी। ठीक से तैरो। अरे तैर तो रहा हूँ। हाथ मारो। पैर सीधे करो। हाँ ठीक है। अरे तुम अच्छा कर रहे हो, जल्दी सीख सकते हो। मैं स्विमिंग तो सीख जाऊंगा ना? हाँ जल्दी सीख जाओगे। ये ज्यादा भोला बनने का नाटक कर रहा है। क्या हुआ? जल्दी ठीक से पकड़ो, नहीं तो ये डूब जाएगा। पानी में उसके साथ अकेले छोड़ना मेरे लिए कितना बड़ा धोखा है, ये बात जानती हो कि नहीं तुम? सुनो भाई, मुझे भी स्विमिंग नहीं आती। हाँ तो आप अंजलि से कह दो वो मुझे भी स्विमिंग सिखा दे, मैं तो पैसे देने के लिए भी तैयार हूँ। हिप्पो जैसा शरीर है तेरा और तू एक प्यारी सी लड़की पर झपट्टा मारना चाहता है, उसे स्विमिंग करता हुआ देखकर वैसे ही मेरे अंदर आग लगी हुई है और तू उसमें। अरे भाई, अरे घी डाल रहा है। रुक जाओ ना, आप टेंशन क्यों लेते हो? आपको अंजलि पर भरोसा नहीं है क्या? अरे मुझे अंजलि पर भरोसा है, मगर उसकी बाली उम्र पर नहीं है। वो कहाँ घास खाने वाली गाय और ये मांस खाने वाला शिकारी, कब उससे अपना शिकार बना ले किसी को पता भी नहीं चलने देगा। एक मिनट इधर आओ ना। हाँ? मुझे डुबकी लगाना सिखाओ ना। सुनो, इसे डुबकी लेना सीखना है। मुझे डुबकी मारना क्यों सीखना है? और कितनी देर पानी में तैरता रहूंगा, मुझे
डुबकी लगाना सीखना है। डुबकी लगाकर क्या तू ओलंपिक में गोल्ड जीतेगा? स्विमिंग खत्म कर और जल्दी बाहर निकल। यहाँ बहुत लोग हैं। चलो अंदर चलकर डुबकी लगाते हैं। भाई भाई वो अंजलि को पानी के अंदर ले गया। ऐसा सोच कर रहे हो भाई? जल्दी से रस्सी खींचो खींचो खींचो। लगता है अंजलि हाथ से निकल जाएगी। और इतनी बेशर्मी करता है, अंदर तो बेशर्मी पार कर देगा। तुम पानी में रस्सी डालकर ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, नदी की गहराई नाप रहा था। गर्मियों में खेती करनी है ना, तो सोचा जरा देख लूं पानी कितना गहरा है। अकेले ऐसे नेता हो जो किसानों का फायदा किसमें होगा ये दिन रात सोचते हो। सब देख लिया इसने। सुनो, पैसे कुछ कम हो गए तो एडजस्ट कर लेना, मगर हर रोज स्विमिंग सिखा देना। कचरा कर दिया। रात में लोगों को लालटेन पकड़ते हुए देखा है, मगर दिन में बल्ब जलते हुए पहली बार देख रहा हूँ। पैसे कमाने के और भी कई तरीके हैं। चूना लगाना बंद कर दो। क्या बोल रहे हो? अरे सुनो, मेहनत करो मेहनत। ये लाउड स्पीकर पूरे गाँव में बदनामी करवाएगा। सिखा दिया, घर चले। पूरा जुलूस निकाल कर अब बोलते घर चले। तुम इतने नाराज क्यों दिख रहे हो? लड़की भी ना। सुनिए, बोलिए। मैं थोड़ा वीक स्टूडेंट हूँ, अगर सीखने में 10-15 दिन लग जाए तो आप मुझे तन मन लगा के सिखा देंगे ना? सुन सुन, तेरा मैं एक भी दिन बर्दाश्त नहीं कर पाया। 10-15 दिन का तो सवाल ही नहीं उठता है, समझ गया? बेबी गो टू हाउस, गो। ओके लाला। ए रुक 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 जरा सुन। अच्छा, क्या तुझे सच में स्विमिंग नहीं आती? आती है। तो फिर तूने उससे झूठ क्यों कहा? देख, लड़कियों को वो लड़के बहुत अच्छे लगते हैं जो उन्हें साफ साफ कहते हैं कि उन्हें कुछ नहीं आता। अरे बस वही टेक्निक अंजलि के साथ यूज कर रहा हूँ। अंजलि रुको, और क्या क्या सिखा सकती हो मुझे? कपूर से अपनी ललिता को बचाना होगा।